The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हाय नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, सातवीं कक्षा की हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? ओके, तो आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं आप लोग? यस, फॉर गुड हेल्थ व्हाट आर द थिंग्स नीडेड? लाफ्टर एंड अ गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इजंट इट? सो कीप योर सेल्फ हैप्पी, कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड हैव अ गुड स्लीप। आहार के साथ साथ हमें हमारी नींद भी अच्छी आनी चाहिए। अच्छी नींद होगी तभी हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आज का पाठ भाग पढ़ने से पहले आप आसमान के लिए पाठ का रीकैप देखिए। साधु एम सातवीं कक्षा सी से आपको रीकैप सुनाएंगे, ठीक है? नमस्कार, मैं हूँ साधु, सातवीं कक्षा सी में पढ़ रहा हूँ। आज मैं आसमान के लिए नामक पाठ को रीकैप सुनाना चाहता हूँ। यह कल्पना चावला जी की जीवनी है। इसे पढ़कर हमें भी अपना सपना साकार करने के लिए प्रेरणा मिलती है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करना जिले में हुआ था। वे बचपन से भी परिश्रमी और प्रतिभाशाली थी। उनका सपना एक अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष करियर से जानना था। उनका प्रिय विषय भी अंतरिक्ष विज्ञान था, इसलिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से भी इसकी उपाधि प्राप्त की। फिर उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका गई। 1988 में अमेरिका के नासा में वैज्ञानिक के रूप में काम करने लगी। 1994 में कल्पना के सपना साकार हो गया। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के रूप में चुन लिया गया। 19 नवंबर 1997 में वे कल्पना ने अंतरिक्ष यात्रा की। इस प्रकार वे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 16 जनवरी 2003 में उन्होंने अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इस बार कोलंबिया उड़ानी में मिशन विशेषज्ञ बन गया। कल्पना चावला जी की जीवनी पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वे भारत की एक महान बेटी है। धन्यवाद। तो आज हम लोग हिंदी आपकी जो किताब है उसमें सबसे आखिरी पाठ भाग पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ भाग का नाम है मेरा जीवन। तो ये किसने लिखा है मेरा जीवन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। ये हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपने इनकी कविता पहले पढ़ी है, छठी कक्षा में पढ़ी है। कौन सी कविता है वो याद है आपको? मुरझाया फूल। तो मुरझाया फूल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। तो आज हम इस पाठ भाग में मेरा जीवन नामक कविता पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, अपनी किताब हाथ में लीजिए, ठीक है? शुरू करें। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा। हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। उल्लास विजय था हंसता मेरे मतवाले मन में। सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे। विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे। तो ये बहुत ही प्यारी कविता है, इसको अच्छी तरह से समझना है आपको, ठीक है? तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें कवयित्री कहती है मेरा जीवन के अपने जीवन के बारे में वो कह रही है। क्या कह रही है? मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना। तो इसमें कवयित्री कहती है कि मुझे हंसना मैंने सीखा है। आई हैव लर्न टू लाफ,
मैं नहीं जानती रोना, बट आई डोंट नो टू क्राई. हंसना मतलब लाफ और रोना मतलब टू क्राई. ओके, सो शी इज सेइंग इन माय लाइफ आई डोंट नो टू क्राई बिकॉज आई हैव लर्न टू लाफ. देन शी इज सेइंग बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मेरे जीवन में सोना बरसता है. लाइक दैट शी इज सेइंग सोना मतलब हियर शी मीन्स द हैप्पीनेस. शी इज सेइंग इट वॉज हर लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. ओके, तो उनके जीवन में किसकी बारिश होती थी? खुशियों की बारिश होती थी. उनका जीवन पूरा खुशियों से भरा था, इसलिए उनको हंसना सीखा है उन्होंने, लेकिन रोना उनको नहीं आता. ओके, इज इट पॉसिबल? आपको लग रहा है कि किसी के जीवन में केवल खुशियाँ हैं? है कोई ऐसा जो उनका जीवन फुल खुशियों से केवल भरा है? ऐसा कोई नहीं है. सबके जीवन में खुशियाँ भी हैं और दुख भी आता है ना. दिस लाइक हाउ डे एंड नाइट ऑकर्स इन द सेम वे इन आर लाइफ, हैप्पीनेस एंड सोरो जस्ट कम्स एंड गोज. बट हियर शी इज सेइंग आई जस्ट नो टू लाफ, आई डोंट नो टू क्राई. वॉट इज इट मीन? शी इज सेइंग इन वॉट एवर सिचुएशन she will smile and she will try to keep herself happy. Okay, so that is she will accept whatever comes in her life, whether it is sorrow or happiness, she will accept it and she will overcome it. Okay, so even sorrow will not touch her. Even if sorrow comes, she won't mind because she knows to smile. Okay, she knows to laugh, she knows to keep herself happy in whatever situation comes. Okay, that is we have to face many situations in our life, isn't it, children? But what we have to do, we have to face it with courage. And we know if happiness is there, it will pass. If sorrow is there, it will also pass. So happiness and sorrow, it just comes and goes in our life. We have to keep our mind steady and we have to face everything. Whatever comes, we have to face it with courage. Okay, so that is what she is explaining. She is trying to say here. तो वो क्या कहती है? मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना. आई नो ओनली टू लाफ, आई डोंट नो टू क्राई. बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना. तो मेरे जीवन में सोना बरसता था, मतलब मेरे जीवन में खुशियों से भरा है मेरा जीवन. हाँ, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज़ वॉट शी इज़ सेइंग. देन मैं अब तक जान ना पाई कैसी होती है पीड़ा. मैं अब तक, टिल नाउ आई डिन अंडरस्टैंड, आई डोंट नो कैसी होती है पीड़ा. वॉट इज़ पीड़ा? पीड़ा मतलब पेन. ओके, इट कैन बी फिजिकल पेन और इट कैन बी लाइक इमोशनली इफ वी आर वीक और वी आर फुल ऑफ सोरो, इट विल बी लाइक अ पेन इन आवर हार्ट, इज़न्ट इट. वेदना, पेन मतलब वेदना, कैन से दर्द कहते हैं ना. सो ये जो पेन है, जो पीड़ा है, वो कैसा भी हो सकता है. तो इसको वो कहते हैं, मैंने अभी तक ऐसा देखा ही नहीं, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी पेन. हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा. एंड शी सिंग आई डोंट नो वॉट इज पेन एंड आई डोंट नो हाउ दिस चिंता. चिंता मतलब वरीज, इन हिंदी वी से नो चिंता मत करो, डोंट वरी. सो जो वरीज हैं वो हमारी लाइफ में आते रहते हैं. तो जो वरीज को हम दे एक्चुअली दिस वरीज कम एंड प्ले इन आर लाइफ, इज़न्ट इट. सो वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फेस देम एंड वी हैव टू अवॉइड दिस वरीज. ओके, सो शी इज सेइंग आई डोंट नो वॉट इज वरीज, आई डोंट नो वॉट इज सोरो, लाइक दैट शी इज सेइंग. अभी वॉट इज पेन आई डोंट नो. ओके, बिकॉज शी यूज टू फेस वॉट एवर कम्स इन आर लाइफ विद lots of courage and positivity. Okay, that is what she is saying. If we are positive, we can face whatever situation comes in our life. Okay, then she is saying उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में. तो मेरे जीवन में उत्साह और उमंग निरंतर रहते. निरंतर मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली. एंड शी सेइंग इन माई लाइफ दिस उत्साह एंड उमंग कंटिन्यूसली इट इज देयर. तो क्या होता है उत्साह और उमंग? यस, एंथुजियाजम. उत्साह विसिन उत्साह उत्साहम, सो दैट इज एंथुजियाजम एंड जॉय वॉज देयर इन अ थ्रू आउट इन अ लाइफ. वाई वी शुड हैव दिस उत्साह एंड उमंग इन अ लाइफ? सी वॉट इफ चिल्ड्रन, वॉट एवर वी डू, वी शुड डू विथ लॉट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड जॉय, इज़न्ट इट? देन ओनली द थिंग विल बी
done properly. So here she is saying in her life she used to do whatever she used to do with full of enthusiasm and involvement, with joy she used to do. Okay, so that is what she is saying. Utsa umang nirantar me rehte mere jeevan mein. Ullas vijay tha hasta mere matwale man mein. So उत्साह और उमंग के साथ हम कोई भी काम करेंगे तो हमें वो काम में हमें क्या मिलेगा, विजय हम होंगे उस काम में, हम विजयी होंगे, है ना. वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट वर्क, वी विल बी, वी कैन कंप्लीट दैट वर्क इन अ वेरी गुड मैनर, इज़न्ट इट. सो वी हैव टू डू व्हाट एवर वर्क वी हैव टू डू, वी शुड डू विथ इन्वॉल्वमेंट एंड जॉय. सो यहाँ पे कवयित्री वही कहती है कि उनके जीवन में भी वो उत्साह और उमंग से के साथ वो हर काम करती थी, इसलिए उनका मन कैसा रहता था हमेशा, उल्लास विजय था हस्ता. उनके मन में हमेशा उल्लास विजय का हस्ता था. शी वाज, हर माइंड वाज फुल ऑफ दिस हैप्पीनेस. ओके, देन लास्ट स्टैंजा शी इज सेइंग, सुख भरे सुनहले बादल रहते हैं मुझको घेरे, विश्वास प्रेम साहस हैं जीवन के साथी मेरे. तो यहाँ पे कवयित्री कहती है कि मुझको घेरे, मतलब अराउंड मी क्या है, सुख भरे सुनहले बादल. सुख भरे मतलब द क्लाउड्स, गोल्डन क्लाउड्स फुल ऑफ हैप्पीनेस. द क्लाउड्स ऑफ हैप्पीनेस यूज टू सराउंड मी. घेरे मतलब सराउंड. ओके, सो शी इज सेइंग इन माई लाइफ आई वॉज सराउंडेड विद दीज क्लाउड्स ऑफ हैप्पीनेस. व्हाट्स क्लाउड्स? Golden clouds, like when the sunlight falls on the cloud, how it will be, it will look like a golden color cloud, isn't it? So that is what she is saying. It is in a positive manner she is saying the golden colored clouds of happiness used to surround her. Okay, vishwas prem sahas hai jeevan ke saathi mere. To kyun khushiyon ke badal unko ghere rehte the? Kyunki unke jeevan ke saathi kaun hai? विश्वास, प्रेम और साहस. हर लाइफ कंपेनियंस, जीवन साथी मतलब लाइफ कंपेनियंस इन हर फ्रेंड्स, है ना. तो वो कौन है? विश्वास, प्रेम और साहस. हाँ, तो कौन? विश्वास मतलब हमें पता है ट्रस्ट, और वी कैन से आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस वी से नो. तो उनका में सेल्फ कॉन्फिडेंस था. प्रेम दैट इज स्नेहम, लव टुवर्ड्स एवरीथिंग, इज़न्ट इट. सो दैट वॉज देयर. साहस मतलब करेज. तो इसमें कवयित्री क्या कह रही है कि उनका जीवन कैसा था? खुशियों से भरा था, और उनके जीवन में उल्लास और उमंग हमेशा रहता था, है ना. और उनके जीवन के साथी कौन कौन है? विश्वास, प्रेम और साहस उनके साथी हैं. तो आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ लाइफ, इज़न्ट इट. इफ वी हैव दीज थिंग्स इन आवर लाइफ वी कैन ऑल्सो लिव वेरी हैप्पीली. सॉरोज में कम बट वी विल हैव द करेज टू फेस दोज सॉरोज. ओके, वो दुख जो हम जीवन में आते हैं तो उन दुखों को हमें, उनका सामना करने के लिए हमारे में क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए. तो वही ये कवयित्री इसमें कहती है कि धैर्य के साथ, साहस के साथ, विश्वास के साथ और प्रेम के साथ अगर हम जीवन अपना जिएंगे तो कैसे रहेंगे? हमेशा खुश रहेंगे. ओके, तो ये है कवयित्री का मेरा जीवन. तो आपको समझ में आ गया? अगर ये आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डाउट. ओके, तो इसको आपको फाइल में लिखना है, कविता को, और इसकी जो मीनिंग्स हैं वो भी आपको फाइल में लिखना है. ओके, तो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ चिल्ड्रन. ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.